केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने राहुल को आतंकवादी बता दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सदन में हिंदुओं को लेकर बयान दिया। राहुल ने कहा था कि खुद को हिंदू कहने वाले लोग हिंसा और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसे लेकर जब केंद्रीय मंत्री आठवले से सवाल किया गया तो उन्होंने राहुल को ही आतंकवादी बता दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, राहुल गांधी ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, वो खुद आतंकवादी हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाना गलत है। राहुल हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल के बयान को लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद ने जब सोमवार को सदन में बयान दिया था तब भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर स्पीकर ओम बिरला से कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इंडिया 24 7 लाइव टीवी पर डेस्क रिपोर्ट।